Yes, class 4th students, welcome back to the video part 2 for chapter 4, A Letter to My Friend. Okay, so we have studied so far that this is a letter by Karthik to his friend Geeta. Karthik was facing the pain that he didn't get the chance to participate in the annual function, and so was the pain of Geeta. So what they wrote to each other, we are studying here. तो क्या हुआ, अभी तक हमने पढ़ा कि कार्तिक ने, कार्तिक को एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला और वो रो रहा था. देन देयर केम मिसेस कल्याणी, जो उसकी क्लास टीचर थी वो उसके पास आती हैं. और अब हम पढ़ते हैं कार्तिक से उन्होंने क्या कहा. शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू व्हाई आई वाज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, उन्होंने मुझसे पूछा क्या मुझे पता है मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका क्यों नहीं मिला. आई डिड नॉट हैव आंसर टू दैट, मेरे पास उसका आंसर नहीं था, क्यों मुझे नहीं पता था. देन शी आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू नो द रीजन, फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं इसका रीजन जानना चाहता हूँ. आई नॉडेड, मैंने सहमति में ऊपर नीचे सर हिला दिया. शी टुक मी टू द ऑर्गेनाइजर हु हैड चोजन द पीपल परफॉर्मिंग एट द इवेंट, फिर वो मुझे उस ऑर्गेनाइजर के पास ले गई जिन्होंने पार्टिसिपेंट्स को चूज किया था. शी सेड, उन्होंने मुझसे कहा फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ. मिस श्री विद्या सॉ अस वॉकिंग अप टू हर एंड बिकेम एंशियस अपॉन सीइंग मी इन टीयर्स, किसने देखा मुझे, मिस श्री विद्या, उन्होंने देखा कि हम दोनों उनके पास आ रहे हैं और वो उनको थोड़ा सा अनईजी फील हुआ, क्यों, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू थे. व्हेन शी फाउंड आउट द रीजन फॉर माय टीयर्स शी गेव मी अ हग, जब उन्हें मेरे रोने का कारण पता लगा तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया. शी एक्सप्लेन दैट आई हैड नेवर प्रेजेंटेड एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपनी क्लास के सामने कभी कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया है. नॉर आई हैव एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी कॉम्पिटिशन और इवेंट, और मैंने कभी किसी कॉम्पिटिशन और इवेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है. इवन दो आई गॉट कॉन्स्टेंट एनकरेजमेंट आई नेवर इवन स्पोक इन क्लास, हालांकि मुझे हमेशा ही प्रोत्साहन मिलता था पर कभी भी मैं क्लास में कुछ नहीं बोलता था. शी फर्दर एक्सप्लेन दैट द एनुअल डांस डे डांस कॉम्पिटिशन वॉज अ बिग इवेंट विच मैनी पीपल केम टू सी. शी आस्क्ड मी टू इमेजिन हाउ आई वुड फील इफ आई मेड अ मिस्टेक व्हाइल परफॉर्मिंग एट सच एन इवेंट, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि चूंकि आपने कभी किसी के सामने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया है और एनुअल फंक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, इसलिए आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इमेजिन करूं, मैं सोचूं कि ये कितना बुरा लगेगा जब मैं किसी इवेंट में या फिर किसी के सामने कोई प्रेजेंटेशन देते मिस्टेक कर दूं. शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट शी डिडंट वॉन्ट मी टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सो मैनी पीपल अनप्रिपेयर्ड, और उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि मुझे वो ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं इतने सारे लोगों के सामने बिना प्रिपरेशन के कोई भी परफॉर्मेंस दूँ. आई अंडरस्टूड दैट शी वॉज ट्राइंग टू से मुझे समझ में आ गया था वो मुझे क्या समझाना चाह रही थी. आई प्रॉमिस्ड हर दैट आई वुड वर्क हार्ड एंड पार्टिसिपेट इन एज मैनी इवेंट्स आई कुड, चूंकि मैं क्लास में बिल्कुल इनएक्टिव रहता था, डोरमेंट था, आई वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी एक्टिविटी, दैट्स वाई आई वॉज नॉट गिवन अ चांस. तो मैंने प्रॉमिस किया कि आई विल पार्टिसिपेट इन मोर एंड मोर इवेंट्स एंड आई विल वर्क हार्डर एंड हार्डर ओके टू गेट द प्रोग्रेस. After that day, I made many big and small presentations in front of the class. While doing this, I was able to understand many of my weaknesses and work on them. और उसके बाद क्या हुआ? अब मैं अपनी क्लास के सामने बहुत सारी presentations देने लगा था और इससे मुझे अपनी weaknesses, अपनी कमजोरियाँ भी समझ में आने लगी थी और मैं उनको दूर करना भी सीख गया था. There was no stopping me after that. और इसके बाद मैं कभी भी नहीं रुका. You will be pleased to know that I participated in our school's annual day the year after that. और अगले साल जो annual function हुआ था उसमें मैंने बहुत अच्छे से participate किया. I participated in our school annual day in the year after that. In fact, I didn't just participate in the event. I was the head of the student organizing committee. हालांकि यही नहीं कि मैंने participate किया था जब और तो मैं head बन गया था. Everyone praised me and my efforts. और सबने मेरी बहुत बहुत तारीफ करी है. वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश था. इफ मिस श्री विद्या हैड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग दैट डे आई वुड नेवर हैव नोन माई वीकनेसेस, अगर मिस श्री विद्या ने मुझे उस दिन पार्टिसिपेट करने से नहीं रोका होता तो मुझे अपनी कमजोरी का एहसास कभी भी नहीं होता. The decision that had once broken my heart was later something that I felt very thankful for. जिस decision से एक बार मेरा दिल टूटा था उससे मुझे बहुत बड़ा फायदा भी हुआ और इसलिए बार बार मैं उस decision के लिए उन्हें शुक्रिया कह रहा था. I told you this story to encourage you to find out the reason why you were not allowed to participate. You can also understand your weaknesses and improve on yourself. मैं तो सिर्फ इसीलिए ये story बता रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ कि तुम्हें participate करने का मौका क्यों नहीं मिला, और ये हमारे लिए भी एक chance है कि हम अपनी कमजोरी
कमजोरियों को समझ सके और अपना इम्प्रूवमेंट कर सके। डू इट एंड यू विल सी हाउ एवरीवन विल प्रेस यू। ऐसा तुम करो और देखो सब लोग कैसे तुम्हारी तारीफ करते हैं। Please do give it a thought. If my suggestion help you and things work out for you, please write me a letter and tell me about it. इस चीज़ के ऊपर ज़रूर विचारना और अगर मेरी सजेशन से तुम्हें हेल्प मिलती है तो मुझे एक लेटर ज़रूर लिखना। आई विल वेट फॉर योर लेटर। प्लीज़ गिव माई रिकार्ड्स टू अंकल एंड आंट। मैं आ तुम्हारे लेटर का वेट करूँगा। मेरा बहुत बहुत प्यार देना किसको, अंकल एंड आंट को। योर फ्रेंड कार्तिक। ओके, सो नाउ वी हैव गोन थ्रू वेरियस ग्रोसरी वर्ड्स ऑल्सो, लेट्स चेक आउट दैम। Disheartened on first page, page 47. Disheartened, then annual, then in full swing. Next page, fizzled out, irritable, reassured, nodded, anxious, encouragement. Then last page, there are pleased, praised, and regards. So these words are to be written as glossary along with their meanings in your notebook. Let's moving further. Let's try one. Let's try one is to be done as homework, content book. Let's try two again, content book. Let's try three is for the question answers that you will do in notebook. Let's try three will be done in notebook. Okay, thank you for listening.